हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल बीके सर ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी को स्वागत है। देखिए, आरपीएफ सिलेबस हिंदी सब्जेक्ट वाइज डिटेल्स एग्जाम पैटर्न सिलेबस सिलेक्शन प्रोसेस। तो अभी अभी देखिए जो आरपीएफ की वैकेंसी आई हुई है, तो चलिए इसके सिलेबस के बारे में जानते हैं। आरपीएफ में कितनी वैकेंसी, 2000 प्लस वैकेंसी आई हुई है। आरपीएफ सिलेबस 2024 हमारे वे सभी परीक्षार्थी और अभ्यर्थी जो कि रेलवे सुरक्षा बल में सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल पद पर भर्ती प्राप्त करने हैं, तो आवेदन परीक्षा तैयारी कर रहे हैं, उनके तैयारी को करने की सफलता प्राप्त करने की मदद करने हैं, तो आपको विस्तार से आरपीएफ सिलेबस 2024 हिंदी के बारे में बताएंगे, जिसके लिए आपको ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखना होगा। इस वीडियो में हम आपको विस्तार से न केवल बिहार आरपीएफ सिलेबस 2024 बताएँ, बल्कि हम आपको एग्जाम पैटर्न पीएसटी पैटर्न के साथ पूरे इस बार सिलेबस के बारे में बताएंगे, ताकि आप आसानी से भर्ती की परीक्षा कर सकें। तो बिहार सिलेबस की बात करें, देखिए आरपीएफ कांस्टेबल सिलेबस की बात करें 2024 में, देखिए क्या क्या है। तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, तो आरपीएफ में यानी एसआई कांस्टेबल की नौकरी, तो ऐसे भरे करें भर्ती परीक्षा का तैयारी, जाने क्या पूरा एग्जाम पैटर्न सिलेबस के बारे में। तो हमारे वे सभी युवा और आवेदक जो भी रेलवे सुरक्षा बल और सब इंस्पेक्टर कांस्टेबल पद पर सरकारी भर्ती पाने के लिए परीक्षा तैयारी कर, उन सब के लिए वीडियो बहुत कारगर साबित होने वाला है। मुख्य बिंदु इस कुछ पर इस प्रकार है। क्या है सिलेक्शन प्रोसेस, देखिए सिलेक्शन प्रोसेस आप सभी परीक्षार्थी युवा आरपीएफ में एसआई कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की तैयारी करें, उनमें बिंदुओं मतलब सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में जानते हैं। तो फेज टू में देखिए आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा CBT 1, और देखिए फेज टू में PT और PMT होगा। उसके बाद फेज थ्री में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, मतलब आपके तीन स्टेप की बात होती है। तो चलिए इसमें देखिए हाई चेस्ट की बात करें, तो देखिए आपकी क्या हो जाएगी, फीमेल मेल फीमेल, और देखिए इसका क्या फिजिकल टेस्ट की बात करें, तो आपकी कितनी होनी चाहिए, मेल की बात करें OBC और अदर में 165, और क्या बोलते हैं चेस्ट की बात करें तो 80 और 85 फुला के आपको करना है। महिला की बात करें SC ST की बात करें तो SC ST में देखिए आपको 160 सेंटीमीटर और चेस्ट की बात 76 से 81 आपको। उसके बाद गोरखा मद्रास और डोंगरा और अदर की बात करें तो 163 और 80 और 85 आपको चेस्ट पूरा करना चाहिए। अब चलिए बात करते हैं आपको फिजिकल टेस्ट और फेमेल की बात करें, फेमेल में देखिए हाइट 157 होना चाहिए और SC ST में 152 होना चाहिए, और फोर गोरखा मद्रास डोंगरुई में आपको कितना 155 होना चाहिए। टोटल देखिए आपकी पोस्ट इसमें डिटेल्स आपके देखिए पोस्ट में डेविड आरपीएफ में 1600 मीटर 6 मिनट 30 सेकेंड में आपको 1600 मीटर दौड़ना है। उसके बाद इसका देखिए 800 मीटर, और देखिए आपका देखिए हाई जंप 3 से 9 इंच आपको फेंकना है, 12 फीट आपको जंप करना है। अब देखिए फीमेल की बात करें, एसआई फीमेल की बात करें तो 800 मीटर 4 मिनट में, और लॉन्ग जंप की बात करें 9, हाई जंप 3 फीट, 1600 मीटर 5 मिनट 45 सेकंड में कॉन्स्टेबल। उसके बाद 800, ये देखिए आपकी सारा कुछ सेम ही दिया हुआ है, तो 9 फीट 3 फीट। तो अब देखिए सब्जेक्ट की बात करें, तो देखिए क्वेश्चन आपकी 50 मार्क्स की रहेंगे, जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन और अर्थमेटिक से 35 क्वेश्चन रहेंगे, और जनरल रीजनिंग से आपके 35 क्वेश्चन रहेंगे। टोटल क्वेश्चन की बात करें तो 120 क्वेश्चन है, और टोटल 90 कितना टाइम दिया, 90 मिनट दिया जाएगा। तो आपके पोस्टर सब्जेक्ट देखिए हिंदी, इंडियन हिस्ट्री, उसके बाद आर्ट कल्चर ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स जनरल पॉलिटिकल्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सपोर्ट स्पोर्ट जनरल साइंस ETC। मैथ की बात करें नंबर सिस्टम होल नंबर डेसिमल फ्रैक्शन ये आपके रहेंगे, उसके बाद फंडमेंट्स, उसके बाद परसेंटेज रहेंगे, रेशियो अपन एवरेज रहेंगे, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, यूज ऑफ ग्राफ्स, मेंसुरेशन टाइम एंड डिस्टेंस, उसके बाद प्रोपोर्शन रेशियो, ये सब कुछ रहेंगे। रीजनिंग की बात करें रीजनिंग में आप देख सकते हैं ये सब रीजनिंग के चैप्टर सब हैं जो आपके देखते हैं। अंत में इस प्रकार हम आपको विस्तारपूर्वक सिलेबस एग्जाम पैटर्न के बारे में बताया, ताकि आसानी से भर्ती की परीक्षा तैयारी कर सकें। आप सभी परीक्षार्थी को हमने इस वीडियो में विस्तार से आरपीएफ सिलेबस के बारे में बताया, बल्कि हम आपको इस पूरे सिलेबस के बारे में बताया, ताकि आप आसानी से भर्ती की परीक्षा तैयारी कर सकें, रेलवे सुरक्षा बल सब इंस्पेक्टर परीक्षा फलदायक तैयार कर सकें और सफलता प्राप्त कर सकें। वीडियो के अंत में हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो आप हमारे इस वीडियो को सेशन को लाइक सब्सक्राइब शेयर करेंगे।